मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में प्राइवेट कोविड अस्पताल संचालकों, निजी पैथोलॉजी प्रबंधकों एवं आईएमए के पदाधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज एवं कोविड की संभावित तीसरे वेब के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी एवं प्राइवेट कोविड अस्पताल संचालकों एवं निजी पैथोलॉजी के प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने कहा कि कोविड 19 के इस आपदा में हम सभी को मिलकर मानवता की सेवा करनी है। किसी भी अस्पताल एवं पैथोलॉजी सेंटरों द्वारा मरीजों से ज्यादा भुगतान न लिया जाए। उन्होंने कहा कि आप और हम मिलकर कोविड के संक्रमितों की जीवन की रक्षा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही मरीजों का इलाज करें और खाली प्रतिदिन बेडों की संख्या भी बोर्ड पर प्रदर्शित करें। मंडलायुक्त ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट हेतु सभी अस्पताल में पोर्टल पर अपनी सूचना अनिवार्य रूप से भरा जाए। मंडलायुक्त ने सभी चिकित्सालयों के प्रबंधकों को आश्वस्त किया कि उनको कहीं भी ऑक्सीजन आदि में दिक्कत नहीं आने पाएगा। उन्होंने प्राइवेट कोविड चिकित्सालयों में मरीजों से अधिक पैसा लेने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी चिकित्सालयों के प्रबंधकों से कहा कि वे शासन द्वारा निर्धारित दर पर मरीजों का इलाज करें। अधिक पैसा लेने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी निजी पैथोलॉजी संचालकों से कहा कि वे कोविड पॉजिटिव के मरीजों के सही नाम, पता एवं मोबाइल नंबर के साथ ससमय सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दें। उन्होंने पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज बचाव हेतु ठीक हुए कोविड मरीजों का 3 माह तक फॉलोअप करने एवं कोविड की संभावित तीसरे वेव से बचाव की तैयारी के निर्देश भी दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने कहा, इन सबों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे कोरोना की। इन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं और आने वाला जो समय है उसके लिए भी चुनावी के रूप में हम लोगों को स्वीकार करना है। हमारे पास 80 केसेस रहे हैं और 26 शून्य केसेस थे, लेकिन 26 अप्रैल आते आते हमारे सबसे ज़्यादा केसेस आने लगे। आज की स्थिति में सभी स्थिति में है 500 से नीचे हम लोग आए हैं, जिनमें 500 से कम ही केसेस रहे हैं फिर भी हम लोग बहुत परेशान थे। आज हम सेकेंड वेव में 500 से नीचे या थोड़ा कुछ ही राहत का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तूफान हम लोगों ने देखा है। तो सर आपका इंफॉर्मेशन और एक पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का ये बड़ा इशू बन रही है। कोविड से बच के तो निकले हैं, बहुत लोग कोविड के बाद मरे हैं किसी न किसी कारण से। ताकि बाकी कंट्रीज में कोविड से निकलने के बाद 3 से 6 महीने उनको फॉलोअप होता है, उसका जो डेथ होता है उसको पोस्ट कोविड डेथ के रूप से ही वो गिनते हैं। ताकि कहीं ना कहीं हो सकता है प्रोटोकॉल में कहीं कमी हो, कहीं ना कहीं हो सकता है फॉलोअप में की कमी हो, कुछ ना कुछ वजह हो सकता है। इसलिए मैं जो अनुरोध करता हूँ कि आपने जितने पेशेंट ट्रीट किए उनके कम से कम आगे 3 महीने उसको फॉलोअप रखना हो, ऐसा पॉलिसी आप डिपेंड करिए। बिकॉज बहुत लोग इवन हमारे ऑफिसर लोग भी है, रिसर्च करने के बाद वो खुश हो गए, फिर 2 दिन में हार्ट अटैक हो गया, किसी का स्ट्रोक हो गया, किसी का डायबिटीज हो गया बहुत लोग, और ये ब्लैक फंगस एक नया फंडा जानते हैं फिलहाल। ये मेन इशू ये है, इसको जो 2-3 जगह हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। मेनली जो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी जो पहले के प्रोटोकॉल है अभी का प्रोटोकॉल अंतर, ताकि अभी का जो वायरल लोड है हैवी है। अब देखिए होंगे जो आप 10 पेशेंट आप किसी कमरा में रखे हैं, उसी की वजह वो एटमोसफेयर इतने पोल्यूट हो जाते हैं, इतने वायरल लोड हो जाता है कि इनोकुलम बाकी लोग ले नहीं पाते। मेनली जो आपका पहले जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका जो एक नेगेटिव प्रेशर में मेंटेन करना होगा, ताकि नेचुरली जो है एरोसोल इत्यादि सारे अपने आप रिलीज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ताकि जो बड़े जगह इवन आपका स्टाफ भी इन्फेक्ट हो जाता है, आपका डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो जाता है। इसलिए जो जगह कहाँ ICU कहाँ जो आप कोविड पेशेंट को डील करते हैं शुड बी नेगेटिव प्रेशर, ताकि जो नेचुरल फ्लो होगा बाहर निकल देना चाहिए था। और सैनिटाइजेशन का भी पिछले बार जो हम जोर दिए थे, हर 4 घंटे 5 घंटे का बढ़िया से सैनिटाइज हो जाए, ताकि वहाँ का जो नेचुरल ग्रोथ में जो फंगस होता है वो इन्फेक्ट करता है। ताकि वंस आप स्टेरॉइड यूज करते हैं, वंस आप मान लीजिए किसी किडनी पेशेंट के इम्यूनोसप्रेशन शुरू करते हैं, कैंसर पेशेंट को शुरू करते हैं विद कोविड, वो तो फिर उनके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हो जाता है।
तो वैसे ही फंगस है, बैक्टीरिया जो बाहर था पहले इन्फेक्ट नहीं करता था, ह्यूमन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए जो फर्स्ट नंबर वन मैं चाहता हूँ आपको दोबारा रिविजिट करिए कि आपको कोविड फैसिलिटी है, अब स्वयं एक बार देख लीजिए क्या वहाँ एरेटर सही है जो उसको, ताकि एग्जॉस्ट सही रखा है, वो जो क्या हवा अंदर घूमने वाले हवा, ताकि वो घूम रहा है तो हम लोग ऊपर आएगा, हम लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, वार फ्रंट हम लोग उसको देखना होगा। दूसरा जो वहाँ सफाई का प्रोटोकॉल, वहाँ तो कितने बार सफाई हो रही है, और तीसरा है वहाँ इक्विपमेंट बहुत सारे जगह हो सकता है, इवन नॉन अवेलेबिलिटी की वजह भी, और इवन जाने अनजाने में भी जो दोबारा से मान लीजिए जो पेशेंट जो पहले भी यूज़ हुआ दोबारा उसी के यूज़ करने लगे, कहीं ना कहीं खासतौर पर जो जो आपका कंज्यूमर्स आता है जो वेंटिलेटर पर फिट होने वाले, जो फिर आपका बैठा पर फिट होने वाले मास्क ट्यूब्स इत्यादि, इसको भी एक प्रोटोकॉल बाकायदा जारी करिए ताकि उसी पर जो पूरा वो कल्चर होता है मेरी जो वहीं रहता है वहीं तो पनपता है, तो तब तक वो जो कंज्यूमेबल का प्रॉपरली हम डिस्पोज नहीं करते, डिस्कार्ड नहीं करते हैं, देन वो वी आर लेटिंग वायरस टू यू, वहीं रहेगा फिर बार बार इन्फेक्ट करता है। इसलिए जो मैं अनुरोध करता हूँ कि आपका आईसीयू का जो स्पेस है उसको बढ़िया से पकड़ के प्रोटोकॉल देख के उसको एक चेकलिस्ट बना के तो वहीं डाल दीजिए, सो दैट डेली जो भी जाता है आप भी जाएंगे जो भी जाते हैं एक बार चेक हो जाए उस पर टिक मार कर दीजिए। नंबर दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैन पावर का कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि अभी का जो नया फंडा कितने आया पोस्ट कोविड के बारे में इतनी जानकारी नहीं हुआ होगा उनका, पहले से ही उनको ओरियंट कराना पड़ता है। मान लीजिए कोई प्री डिस्पोज डायबिटिक है कोई पेशेंट, उनका किस समय में क्या क्या दवा देना है और किस दवा किस डोज में देना है और बाकी कंडीशन में कैसे हैंडल करेंगे, ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग हैंड होल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो कोविड वाले में वार्ड वाइज से लेके नर्सेस से लेके और आपका सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से लेके सब लोग का ये जानकारी होना चाहिए था। इस पर पोस्ट जनपद की यदि बात करें तो आपको पता है कि ये जो सेकेंड वेव हमारी होने के बाद एक्टिव केस आए 1000 के आसपास मोबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कोरोना कर्फ्यू है उसका भी योगदान है। और ये कोरोना कर्फ्यू की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि हम अभी भी सेकेंड वेव को खत्म हो जाना न समझें, और इसलिए आप लोगों के साथ ये संवाद करना बहुत जरूरी था और इसलिए हम लोगों ने ये एजेंडा भी सेट किया है। लेकिन कुछ आरंभिक चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक हमें लगता है कि हमारी जो कार्यप्रणाली है जिसमें बीआरडी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे के भी लोग हैं और आप लोग हैं, हमें लगता है इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत, कम से कम 10 हॉस्पिटल के अगेंस्ट ज़्यादा चार्ज करने की शिकायत आई है और शिकायत ही नहीं आई है, जब उस शिकायत पर हॉस्पिटल से पूछा गया है और हम नाम भी लेंगे तो बहुत स्पष्ट रिप्लाई नहीं आया है। किसी ने कहा टाइपो हो गई, किसी ने कहा हमने अलग अलग स्लैब लगा दी, किसी ने कहा कि हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया उस समय पर, उस समय हो गया होगा गलती, किसी ने ये रिप्लाई नहीं दिया है कि यदि आपका 1,35,000 ज़्यादा आ रहा है तो एक कैलकुलेशन ये नहीं है, कैलकुलेशन ये है यदि मैं सही हूँ तो मुझ पर ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं दिखा सकूँ कि यदि आप मुझ पर एलिज कर रहे हैं कि 1,35,000 ज़्यादा दिया गया है, 1,35,000 ज़्यादा नहीं दिया तो सही है, क्योंकि द कैलकुलेशन शीट वो नहीं दिया है, पर ये ठीक नहीं है। इसमें आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के स्तर से बहुत कड़े निर्देश, एक शायद हम लोगों ने नर्सिंग होम के लिए कार्रवाई की है, कल कम से कम 4 या 5 के लिए मैंने कड़ी चेतावनी दी करने के लिए सीएमओ साहब को फाइल भेजी है, क्योंकि उसमें अमाउंट कम लग रहा था, बात अमाउंट ही नहीं है, बात सिद्धांत है, बात 5 रुपये 50,000 रुपये 5,000 रुपये 5 लाख 5 करोड़ की नहीं है, बात सिद्धांत की, बात नियत की, बात मंशा की, और वो जो हॉस्पिटल नंबर अनुरोध है ये समय चीज़ों का नहीं होती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, स्पष्ट लिखिए ये गलती हो गई दोबारा होगी नहीं, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। हम भी समझते हैं हमारी मंशा या प्रशासन की मंशा किसी को क्लोज डाउन करने की इस समय में तो कतई नहीं, किंतु आपका रोल इम्पोर्टेंट है, सबका रोल इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत करेगा तो हम उसको जाने देंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सिद्धांत है यदि अच्छी चीज़ को आप रिवॉर्ड ना करें और गलत चीज़ को पनिश ना करें तो वो बढ़ती जाती है, और इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा
क्या आपका ऑक्सीजन ऑडिट में रोल है, आपकी ट्रांसपेरेंसी बेड कितने हैं, कितने आपके वेंटिलेटर हैं, कितने क्या हैं, वो स्पष्ट लिखिए, बाहर डिस्प्ले करिए, ऐसे डिस्प्ले करिए कि लोगों को दिखे। देखिए जो हमारे ऑक्सीजन बेड की क्षमता है वो प्राइवेट सेक्टर्स की सहायता से ही काफ़ी बड़ी है, गोरखपुर जनपद की भी बात करें, और ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी समस्याओं को सुने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब्स हैं हम उनको देखें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और उसमें कई इश्यूज आ रहे थे कि जैसे कुछ शिकायतें थी कि ज़्यादा पेशेंट से चार्ज लिया जा रहा है, डायग्नोस्टिक लैब जो हैं रिपोर्ट समय से नहीं देती हैं या ज़्यादा चार्ज करती हैं। उसी के समय में हम लोगों ने आज संवाद स्थापित किया है गोरखपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को लेके इन प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब से, और आशा करते हैं कि जो भी आज हम लोगों ने निर्णय दिए हैं, डिस्कशन किए हैं, वो कोविड प्रबंधन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को और सुदृढ़ करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे, और शासन द्वारा निर्दिष्ट जो रेट है उसका हम अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, जिससे कि एक गरीब आदमी को हम संक्रमण मुक्त कर सकें और उसको कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। यस, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज जिसे हम कहते हैं, कोविड से ठीक हो जाने के बाद भी कुछ लोगों को दिक्कतें जो आ रही हैं, उसके लिए भी हमने प्राइवेट सेक्टर का सहयोग मांगा है। BRDO और एम्स इसमें ऑलरेडी आगे आए हुए हैं, और हमने इनसे अनुरोध किया है कि ब्लैक फंगस की बात हो या हार्ट डिजीज से रिलेटेड कुछ बात हो, कुछ लोगों के रक्तचाप में असामान्य वृद्धि हुई है उसकी बात हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर आगे आए और उसमें उनको OPD में मदद करे या कॉल सेंटर के थ्रू मदद करे, लेकिन पहले फिजिकल एग्जामिनेशन भी कुछ केसेस में ज़रूरी है और उसमें मदद करे, और उसमें हमारी तरफ से जो औषधि या किसी का सहयोग होगा वो हम शासन के निर्देश के क्रम में करें।